स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मेरी तो आय 2022 1 जनवरी से दोगुनी होनी चाहिए थी, लेकिन आज 7 फरवरी हो चुका है लेकिन मेरी आय दोगुनी नहीं हुई। तो इनकी आय दोगुनी कब होगी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में सब किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो अभी तक इनके सर आय दोगुनी नहीं हुई, ऐसा क्यों? ये कह रहे बताया नहीं देश के। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये प्रश्न करते हैं। आज की तारीख में 3 किसान बिल जो लाए गए थे, विशेषकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई थी, किसानों की आय बढ़ाने के लिए की गई थी, शर्म नहीं आती कि आपने कहा कि अगर ये 3 बिल नहीं आते तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती, मैंने सही सुना? अगर 3 बिल रोके नहीं जाते तो हाँ, तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती। इसी मकसद से, इसी भावना से किया गया था भाई साहब। यानी एक साल स्वामी इंद्र जी ने खराब कर दिया, जो किसान नेता थे जिन्होंने धरना दिया उन्होंने खराब कर दिया, वरना एक साल के अंदर इनकी आय दोगुनी हो जाती, आप ये समझा रहे हैं? डेफिनेटली। तो एक साल में कैसे आय दोगुनी हो जाती? क्या आप MSP पे खरीद करना शुरू कर देते भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आती उसमें तो सब चीजें प्रीडिसाइडेड थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप ये कह रहे हैं खराब हो जाए, चाहे ओलावृष्टि अच्छा। हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, इल्ली पड़ जाए, लेकिन किसान को इतना तो मिलना ही है। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये होता कि किसानों की आय दोगुनी हो जाती 2022 तक? होती, सारी जितनी भी प्राकृतिक मारे होती वो उद्योगपति झेलता, वो किसान नोट गिनता। अच्छा, किसान नोट गिनता और उद्योगपति सारी ये प्राकृतिक आपदाएं झेलता, आप ये कह रहे हैं? आपने किया गया था भाई साहब? नहीं सर, मैं बता रहा हूं सर, यही मैं प्राकृतिक आपदा पर ही आ रहा हूं। अब स्वामी इंद्र जी की आय जो 2022 तक दोगुनी होनी थी, अब कब तक दोगुनी हो पाएगी? मेरे पास सब में इसका एनालिसिस अभी नहीं कर सकता। जो हमने जितने भी कानून बनाता पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया था, वो भविष्य के हिसाब से किया था। खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाना है, उसी के लिए सब काम होने। गुर्रे शेख जी, आप मुझे बताइए ना, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो इनकी आय दोगुनी हो जाती, मैं कह रहा हूँ अब इनकी आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और भी रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। अच्छा, दोबारा लेकर आएंगे रिफॉर्म्स? हाँ, कानून दोबारा लाएंगे। देखिए, आप उसको मेरे मुंह में वर्ड मत डालिए, मैं रिफॉर्म नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हम रिफॉर्म करेंगे, नहीं मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं, आप कह रहे हैं रिफॉर्म करेंगे, मैंने थोड़ी ना कहा। नहीं, बिल्कुल भी, रिफॉर्म्स कानून सब चीजें अलग अलग होती, मैंने रिफॉर्म्स का शब्द बोला है, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ फिर? सुधार, कृषि सुधार। हाँ, वही सुधार की बात करी थी, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक कृषि के माध्यम से भी हो सकते हैं वो, जैसे कि न्यू इंडिया, अलग अलग, जैसे न्यू इंडिया 2022, जैसे न्यू इंडिया 2022 में बनना था, 2047 में बनेगा, ये अमृतकाल है, वैसे ही भाई साहब देश तो न्यू बन रहा है। अरुण जेटली जी ने MSP उपलब्ध करवाने के लिए किसान आशा का जिक्र किया था, याद है आपको किसान आशा का? स्वामी जी याद होगा आपको, तो आप तो किसान नेता है सर। जी, किसान याद है आप सबको? जी, किसान आशा का बताइए, मुझे स्मरण नहीं है। आपको स्मरण नहीं है, मालूम नहीं होती, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, स्पष्ट। मैं किसान आशा का जिक्र कर रहा हूँ, उसका मकसद भी यही था जिसका मकसद आप कह रहे हैं। उसमें 1500 करोड़ का बजट होता था, 1500, कितने? 1500 करोड़ का बजट। स्वामी इंद्र जी, मैं सही हूं ना? 1500 करोड़ के आसपास, बिल्कुल ठीक है सर। अब उसका बजट मालूम है आपको कितना है? 1 करोड़ रुपया, घटते 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 1 करोड़ रुपया। गुर्रे शेख जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं देखिए, उसके विषय में मेरे पास अभी डाटा नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, जो चीज होती है मैं उसको स्पष्ट बोलता हूं। आपने आपने कमेटी चुनाव के बाद बनाने का जिक्र किया, एक मिनट लोकेश जी, मैं भी किसानों के बदले में। आपने चुनाव के बाद कमेटी अब तक नहीं बनाई थी, अब तक किसने रोका था आपको? नहीं, प्रक्रिया होती है हर चीज की, लोगों का चयन करना है, प्रक्रिया चुनाव के बाद ही होगी। तो ठीक है ना, चुनाव में समय कितना बाकी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रावधान जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रावधान जो है वो कम हो गया। आप तो किसानों की आय में दोगुनी करना था ना, कि ये प्रावधान कम कैसे हो गया? गुलरे जी, ये थ्योरी, प्रावधान कम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां पर प्रांत भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।